हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित बैजनाथ धाम वो धाम है जहां दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाता है। पूरे देश में जहां रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है, वहीं बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में रावण के पुतले न जलाकर उन्हें सम्मान दिया जाता है। बैजनाथ को हम बैद्यनाथ के नाम से भी जानते हैं, जहां रावण ने कई वर्षों घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर शिवलिंग स्थापित किया था। अतः ये स्थान रावण की तपोस्थली भी मानी जाती है। जनश्रुति के अनुसार जब रावण भगवान शिव की आराधना करके शिवलिंग को लेकर लंका वापस जा रहे थे तो लघु शंका हेतु स्थान पर रुक गए। तब शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया तथा रावण ने यहीं पर अपनी तपस्या कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए बैजनाथ को रावण की तपोस्थली भी कहा जाता है। बैजनाथ व पपरोला कस्बे के लोगों ने दशहरा मनाने की कई बार कोशिश की तो पुतलों को आग लगाने वाले व्यक्ति लगातार 3 वर्ष तक जाने गवाते रहे। अतः यहाँ पर रावण ने सम्मान देने हेतु दशहरा पर्व नाम मनाने का प्रचलन चल पड़ा। इसके अलावा बैजनाथ में ये भी मशहूर है कि यहाँ कोई भी सुनियार की दुकान नहीं है। इसका भी एक कारण है, भगवान शिव ने वरदान स्वरूप सोने की लंका रावण को दी थी, यही वजह है कि यहाँ सुनियार की दुकान नहीं है। जब कभी भी यहाँ किसी ने दुकान खोली उसकी दुकान उजड़ ही गई। पार्वती को ऐसा सुनते ही क्रोध आ गया कि मेरे भोले शंकर को आप सब ठग रहे हैं, तो भगवती माता ने साफ दे डाला। तो उसमें से विश्वकर्म को साफ दिया कि तुम लोगों के घरों को बनाओगे लेकिन अपना घर नहीं बना पाओगे, झूठ बोलोगे। उसके बाद सुनार को दिया श्राफ दिया कि तुम जगजननी को ठगा है, तुम संसार में अपनी माँ को ठगोगे और मेरा जब मेरा और भगवान शिव का जहाँ भी सानिध्य होगा तब वहाँ पर तुम नहीं टिक पाओगे। तो यहाँ पर वो जो कथा है चरितार्थ है होती है, क्योंकि यहाँ पर ना ही सुनार की दुकान है, सुनार के परिवार हैं यहाँ पर, 2-4 परिवार हैं सुनार के, लेकिन यहाँ पर उनकी दुकान नहीं है। और रावण ने यहाँ पर बैठे 9 बार सिर काटा था, 9 बार से जुड़ गया था। आज भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, क्योंकि 300 वर्ष पहले 300 वर्ष पहले लोगों ने रावण के पुतले को जलाने की चेष्टा की थी, एक ने की तो इसकी मृत्यु हो गई, दूसरे ने की तो दूसरे की मृत्यु हो गई, तीसरे की तीसरे की मृत्यु, उसके बाद किसी ने भी यहाँ पर रावण के पुतले को जलाने की चेष्टा नहीं की। आज भी यहाँ पर बैनाथ में जहाँ पर रावण ने एक पांव खड़े होकर तपस्या किया वो स्थान भी है, जहाँ से आप देख सकते हैं उनका रावण का बड़ा लंबा पांव है, साथ में उनका एक लिंग भी है, वहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या किया एक पांव में खड़े होकर। जब उनको वाइब्रेशन मिला कि इससे भी अच्छा स्थान तो बैजनाथ मंदिर में जो बिल्कुल रावण के चरण से नज़दीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर आए तो मंदिर में आकर उन्होंने तपस्या किया, 9 बार सिर काटा, 9 बार सिर जुड़ गया, तो यहीं से वरदान प्राप्त करके वो ले गए थे। बिहार में जो स्थापित है झारखंड देवघर बैद्यनाथ, वो यहीं से स्थापित यहाँ से तप करके ही ले गए थे। बैद्यनाथ का ये प्रतिष्ठित मंदिर द्वापर के समय पांडवों के अज्ञातवास में बनाया गया है। पांडवों ने इसको एक रात में बनाया है, 6 महीने का रात हुआ करता, 6 महीने का दिन हुआ करता था। द्वारा इसका रेनोवेशन हुआ है, 800 AD में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। दो बनिए थे आहुक और मन्नी, उनकी माता का नाम था गुणक, उनको आकाश मंथन मिला, कोई स्वर्ण में मुद्रा मिली थी, उस धन से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उसको 1300 वर्ष हो गए। चंद्रपीठ के एक श्लोक में वर्णित है, सहस्त्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्यं कुर्यात्। रावण ने यहाँ पर बैठ के कई 1000 वर्ष विश्व विजय होने का तप किया था, 9 बार सिर काट के अर्पण किया था, 9 बार सिर जुड़ गया था। आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के केवल वैना क्षेत्र में न ही दशहरा मनाया जाता है, न ही रावण का पुतला जलाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में दशहरा बड़ी धूमधाम से आज मनाया जा रहा है, जबकि बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता। इसके पीछे कारण ये है कि रावण जो था वो शिव जी का अनन्य भक्त था और इसने कई वर्ष यहाँ पे पूजा की है और शिव को अपने जो सिर हैं वो अर्पित किए हैं। कुछ वर्ष पूर्व पहले यहाँ पे दशहरा मनाने की प्रथा शुरू भी हुई थी, परंतु जो व्यक्ति दशहरे के रावण के पुतले को आग लगाता था वो अगले वर्ष तक जीवित नहीं रहता था। तपोस्थली है, इसी के चलते यहाँ पे जो है रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व भी यहाँ पे रावण के पुतले को जलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके 1 साल के बाद ही जिसने भी रावण का पुतला जलाने की कोशिश की थी उसको घोर विपत्ति का सामना करना पड़ा था या उसकी मौत हो गई थी।